10th my class, and we are going to resume Merchant of Venice. So far we have done act 1, scene 1 and 2. Scene 1 mein humne dekha Antonio and Bassanio, their friendship. Of course there were other people, uske baki friends se bhi hum mile. Wahi pe zikr hua tha Portia ka, jise humne scene 2 mein bhi dekh liya. Uske kaun kaun se suitors aaye, uska kya mindset tha us samay. और वहां ये भी पता चला कि एक और नया सूटर आने वाला है, राइट? एक्ट वन सीन वन में ये भी पता चला था कि बसानियो जो है उसको पैसों की जरूरत है, बिकॉज ही वांट्स टू गो टू बेलमोंट. एंटोनियो जो कि इतना वेल्दी मर्चेंट है, उस समय उसके पास रेडी कैश नहीं है. सो ही टोल्ड बसानियो दैट फाइन, वेनिस में किसी से भी जाके उधार ले लो मेरे नाम से और बेलमोंट जाने की तैयारी करो. तो आज हम वापस चलेंगे वेनिस में, जहां मुलाकात करेंगे शाइलॉक से. शाइलॉक जो कि इस प्ले का एंटागनिस्ट है. दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्रोटैगनिस्ट जो कि मेन हीरो होता है. ऑब्वियसली जो मेन हीरो होता है वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है प्ले का, एंड देन वी हैव अ नेगेटिव कैरेक्टर द एंटागनिस्ट. सो शाइलॉक को हम देखेंगे कि कैसे वो धीरे धीरे नेगेटिव रोल इस प्ले में प्ले करने वाला है, राइट? सो लेट्स गो टू वेनिस एंड फर्स्ट लेट अस सी कि आज हम क्या करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्ट 1 सीन 3 पार्ट 1. आई हैव टेकन पार्ट 1 बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग सीन एंड देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंसेस. तो धीरे धीरे करेंगे, हर चीज को समझते चले जाएंगे. आपके पास टेक्स्ट होगा, मीनिंग्स होंगे और लिटरेरी डिवाइसेस जो कि यूज हुई है वो सब पे हम धीरे धीरे जिक्र करते जाएंगे. इसलिए टू पार्ट्स है, थोड़ा लंबा लंबा पार्ट हो जाएगा, बट फिर भी आपको ठीक से समझ में आएगा. फाइन, सो हियर वी आर इन अ पब्लिक प्लेस ऑफ वेनिस. एंटर शाइलॉक एंड बसानियो. बसानियो ने, हो सकता है वेनिस में बहुत लोगों से बात करी हो, बट इतना अमाउंट उसे कहीं नहीं मिला शाइलॉक के पास, इसलिए वो आया. शाइलॉक को पूरी बात समझा चुका है. अब शाइलॉक जो है वो एक ज्यू है. ज्यूस उस समय वेनिस में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में नहीं थे, मेजोरिटी में नहीं थे. ऑफ कोर्स आज भी नहीं होंगे. क्रिश्चियंस मेजोरिटी में हैं. फाइन, सो ज्यूस जो है उनको वहां पे लैंड परचेज करने की या लैंड रखने की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी. तो उनके पास ऐसा कोई इनकम का सोर्स नहीं था, एक रेगुलर बिजनेस का सोर्स नहीं था. सो मे बी मनी लेंडिंग एक ऐसा बिजनेस था जो ज्यूस वहां कर पा रहे थे. So Bassanio comes to Shylock to borrow that much money. Fine. And he has already told Shylock कि ये जो पैसा मैं लेने वाला हूं, ये इसका गारंटी जो देगा वो होगा Antonio. Okay. 3000 ducats. Well. So बात हो रही है पैसे की, और पैसे का जो करेंसी जो यूज हुई है वो है ducats. Ducats are gold coins. These are issued by the Duke of an area. Okay, so they could be in gold coins or in silver coins. Now the requirement is 3000, and Shylock is repeating the sum in his mind and also loudly for Bassanio to hear. Now ekdam se wo haan nahi karega, usko bhi to aaj apni importance dikhani hai. After all koi Christian aaya uske paas, Bassanio aaya, Antonio ka friend aaya hai usse paise lene ke liye, to thodi apni importance usko create karni hogi. Ekdam se wo haan nahi karega. Bassanio is waiting for his answer. I sir, for 3 months. He says yes. I just told you that I need that much amount, and this will be for 3 months. For 3 months. Well, so see how Shylock is taking his time. और Bassanio बिल्कुल restless हुआ जा रहा है पूछने के लिए कि दोगे या नहीं दोगे. And Shylock is taking his own sweet time, enjoying his position today. For the which, as I told you, Antonio shall be bound. And he says, I have already informed you that for this money, Antonio will be the guarantor. क्योंकि ये लोन Antonio पे बैक करेगा. इसके दो कारण हो सकते हैं. एक तो Antonio ने खुद कहा था Bassanio से कि जो भी पैसा तुम लोगे, किसी से भी लोगे, उसकी गारंटी मैं ही दूंगा. दूसरा ये भी हो सकता है कि Bassanio, हमने देखा है कि वो बहुत ज्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट है, पैसे बहुत खर्च करता है, खर्चीला है, उसका लाइफस्टाइल बहुत लैविश है. तो हो सकता है उसके इस तरह के लाइफस्टाइल को देखते हुए कोई इजीली उसको पैसा नहीं देगा. सो Antonio हैज टू बी बाउंड.
एंटोनियो शैल बिकम बाउंड वेल. सो अगेन यू नो उसको आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एंटोनियो विल बी द गारंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन. वो बार बार इस चीज को माइंड में रिपीट भी कर रहा है, बसानियो के आगे इसको रिपीट कर रहा है. मे यू स्टेड मी, विल यू प्लेजर मी, शैल आई नो योर आंसर. अब बसानियो से टोल्ड यू बहुत रेसलेस हो रहा है, जानने का इच्छुक हो रहा है कि भाई बसानियो फाइनली शैलॉक को पैसा देगा कि नहीं. सो आई वांट टू हेल्प मी, यू नो आई वांट टू गिव मी दैट मनी, टेल मी योर आंसर. फाइन, 3000 डकेट्स एंड फॉर 3 months एंड एंटोनियो बाउंड. उसे तो फिर अपना वही साइकिल शुरू कर दिया, 3000 डकेट्स, 3 months एंड एंटोनियो बाउंड. योर आंसर टू दैट, ही सेड शैलॉक आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, लेट मी नो, बताओ मुझे जवाब दीजिए, आप देंगे या नहीं देंगे. एंटोनियो इज अ गुड मैन. अब वो फिर भी डायरेक्ट आंसर नहीं देता है, कहता अच्छा एंटोनियो बाउंड होगा, ठीक है एंटोनियो अच्छा आदमी है. अब जैसे ही एंटोनियो का नाम आया, बसानियो को अंदर से थोड़ी सी इरिटेशन हो गई कि क्या मतलब है तुम्हारा, एंटोनियो इज अ गुड मैन. फाइन, हैव यू हर्ड एनी इंप्यूटेशन टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब इसका उल्टा. फाइन, तो कहते हैं क्या आपने ऐसा कोई एलिगेशन सुना है मेरे दोस्त के खिलाफ कि तुम कह रहे हो कि वो एक गुड मैन है. तो थोड़ा सा इरिटेट हो गया है बसानियो शैलॉक से. नाउ शैलॉक डज नॉट वॉन्ट टू इरिटेट बसानियो ऑल्सो, एंड ही वॉन्ट्स दिस प्लेथिंग ऑल्सो टू गो ऑन. वो जो उसको मजा आ रहा है वो भी थोड़ा लंबा करना चाहता है, और साथ ही साथ बसानियो को थोड़ा कूल डाउन भी रखना चाहता है. सो ही सेज, Oh no no no! My meaning in saying he is a good man is to have you understand me that he is sufficient. He says no no no. ऐसा कोई इरादा नहीं था. Good का मेरा मतलब ये good नहीं था कि उसका character कैसा है. Good से मेरा मतलब था कि उसके पास है पैसा है. He is financially well off. और ये हमने scene 1 में भी देखा है कि Antonio is a wealthy merchant. Okay. So he says ठीक है Antonio bound है तो चलेगा. Yet his means are in supposition. बट थोड़ा बहुत रिस्क तो है मुझे लगता है इसमें. हिज मीन्स आर इन सपोजिशन. अभी उसका जो बिजनेस है, उसकी जो अर्निंग्स है जो होने वाली है उसकी शिप से, वो थोड़ा सा रिस्की है इस समय. क्योंकि रिमेंबर इन द फर्स्ट सीन ऑल्सो एंटोनियो हैज सेड दैट ऑल माय शिप्स आर एट सी. वो सब ट्रेडिंग के लिए गई हुई है. सो दे आर इन सपोजिशन. अभी थोड़ा सा डाउट है. He had an Argosy bound to Polis, another to the Indies. I understand, moreover, upon the Rialto, he had a third at Mexico, a fourth for England, and other ventures he had squandered abroad. He says, मुझे पता चला है कि उसकी जो एक शिप है वो इंडीज को गई हुई है, दूसरी ट्रिपोलिस को गई है, एक इंग्लैंड को गई है, एक मेक्सिको गई है, और भी उसके ऐसे बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स हैं जो उसने फैला रखे हैं. मीनिंग शैलॉक इज ट्राइंग टू शो कि उसका है तो सही, उसके पास पैसा बहुत, बट इस समय उसके हाथ में क्या है ये नहीं अंदाजा लगा सकते क्योंकि सब कुछ उसका सी पे है इस समय. राइट, बट शिप्स आर बट बोट्स, सेलर्स बट मेन. और क्या है शिप्स, क्या है लकड़ी की फटियों से बनी हुई है, बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकती है, शिपरेक हो सकता है, किसी चट्टान से टकरा सकती है, सैंड में धस सकती है, जो कि सीन वन में हम देख चुके हैं कि कितने कितने खतरे हैं शिप्स को पानी में, तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड व्हाट आर मेन, दे आर बट मेन. और ह्यूमन बींग्स ही तो है उस शिप में, और ह्यूमन बींग्स अमर तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है, डूब भी सकते हैं, उनको वैसे भी कुछ हो सकता है सी पे, सी सिकनेस हो सकती है, कई तरह की और चीजें हो सकती है, और वो बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं. See how well informed Shylock is about Antonio's business. और उसे ये सब खबरें कहाँ से मिलती हैं? उसको ये सब खबरें मिलती हैं Rialto से. Rialto क्या है? Rialto एक business exchange area है, जैसे कि stock exchange area होता है, एक building है. तो here particularly this is Rialto and a name of an island also in Venice in Italy. क्योंकि बहुत सारे छोटे-छोटे island से बना हुआ है ये township Venice. Okay. सो ही सेज कि बहुत अभी बहुत रिस्क है एंटोनियो के बिजनेस में, और अभी पता नहीं, श्योरिटी नहीं है कि उसके हाथ में कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा. देयर बी लैंड रैट्स एंड वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स, आई मीन पायरेट्स, ही सेज. और अगर तूफान का खतरा ना हो, आइसबर्ग का ना हो, या यू नो रॉक्स का खतरा ना हो, तो और खतरे भी तो हैं. देयर आर यू नो वाटर थीव्स, लैंड थीव्स, वाटर रैट्स, लैंड रैट्स, यानी पायरेट्स हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं,
कई तरह के खतरे हैं अभी तो उसके बिजनेस के आगे आने वाले. सो अभी कैसे मान लें कि उसके पास कितना है. एंड देन देयर इज अ पैरेलल ऑफ वाटर्स एंड विंड्स ऑफ कोर्स, जो कि मैंने कहा कि तूफान भी आ सकता है, कई तरह के और खतरे हैं. द मैन इज नॉट विदस्टैंडिंग सफिशिएंट, फिर भी इसे ठीक है, सारी चीजें गौर करने के बाद भी मैं ये कहूंगा कि वो मैन सफिशिएंट है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स फेयर होती हैं, ठीक है, बंदा काम कर सकते हैं उसके साथ. 3000 डकेट्स, आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड, इट इज फाइन, ठीक है, ओके, आई एग्री टू इट, कर लेते हैं इसके साथ ये बॉन्ड की एग्रीमेंट कर लेता हूं मैं और तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा. नाउ शैलो गेव सच अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय एंटोनियोस बिजनेस डीलिंग्स, बिजनेस वेंचर्स. सो बसानियो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है. ठीक है, पहले अपनी तसल्ली कर लो, बी अश्योर्ड यू मे, ही सेज फाइन, तसल्ली पूरी कर लो कि तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा. फाइन Shylo, I will be assured, I may, and that I may be assured, I will bethink me, may I speak with Antonio? He says, haan, tasalli to mujhe karni padegi. He has used the word assured twice, which is like a pun. He says, haan, ek to mujhe tasalli karni hi hogi, ki mera paisa jahan ja raha hai, wahan safe hoga. Dusra assurance ye bhi chahiye mujhe ki paisa wo mujhe wapas bhi milega. So, uske liye pehle mujhe Antonio se baat karni hai. So, Shylo says, choti si baat hai, kya farak padta hai? He says, If it please you to dine with us, he says, ठीक है, आज आ जाना, डिनर पे आ जाना, एंटोनियो भी आएगा वहीं पे, सो वहीं पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. लुक, जब इंसान की जरूरत होती है तो वो कैसे अपने घुटनों पे आ जाता है. बसानियो को पैसे चाहिए, एंटोनियो को पैसे नहीं है. यू तो वेनिस में क्रिश्चियंस जो हैं वो ज्यू से बात भी ना करें, उनका बस चले तो. और आज उसी ज्यू के सामने आगे पीछे घूम के वो पैसे का बंदोबस्त कर रहा है और ये भी कह रहा है कि ठीक है आप हमारे घर आ जाइए डिनर खाने के लिए. इट्स अ बिग थिंग, राइट? बट व्हाट हैपेंस? यस, टू स्मेल पोर्क टू ईट ऑफ द हैबिटेशन व्हिच योर प्रॉफिट द नज़ारेट कंसर्व द डेविल इनटू. ही सेड, वाओ, मुझे डिनर पे बुलाओगे और मुझे पोर्क सर्व करोगे. तुम लोग तो पोर्क खाते हो, मैं तो नहीं खाता. आई एम अ ज्यू, सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डिनर इनविटेशन बिकॉज पोक जो है अकॉर्डिंग टू द ज्यूज और रादर अकॉर्डिंग टू द बाइबल व्हेन जीसस क्राइस्ट यूज टू क्योर पीपल, काफी सारे लोग उनके पास आते थे अपने क्योर ढूंढने के लिए क्योंकि वो ब्लेस करते थे सबको. तो इसी तरह से एक व्यक्ति उनके पास आया था जो कि मैडमैन की तरह हरकतें करता था, उसके अंदर लोग कहते थे कि इसमें एक शैतान की आत्मा आ गई है. तो जीसस क्राइस्ट ने उस आत्मा को कमांड करा कि वो उस आदमी से निकल जाए और हो सकता है आसपास देखा उन्होंने और उस समय कोई सुअर ही दिखाई दिया गया उनको, उन्होंने कहा ठीक है, उस आत्मा को उसके अंदर डाल दिया. तो हो सकता है कोई और जानवर भी हो सकता था, कोई और चीज भी हो सकती थी, बट राइट नाउ इट इज द पोक, द पिग. ओके, सो ही सेज नो, आई कैन नॉट हैव इट बिकॉज पोक दैट इज पिग हैज इज द हाउस ऑफ द डेविल, क्योंकि उसकी बॉडी में डेविल को डाला गया था. Okay, I will buy with you, sell with you, talk with you, walk with you and so following, but I will not eat with you, drink with you, not pray with you. He says, मैं आपके साथ सब कुछ कर सकता हूँ, buy, sell, stand, sit, go out, talk, okay, do everything, but I cannot eat with you, drink with you. This is something which I cannot do. And here we have the use of epiphora. Epiphora एक वो टेक्निक है, लिटरली डिवाइस है जिसमें आखिरी का वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है. कई तरह की फ्रेजेस यूज हो रही है और आखिर में एक वर्ड रिपीट हो रहा है. अदर वर्ड इज यू, यू, आई विल बाय विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, ईट विद, नॉट, नॉट ईट विद यू, नॉट ड्रिंक विद यू. ओके, सो द वर्ड यू इज बींग रिपीटेड. ऑल्सो वी हैव द यूज ऑफ अल्यूजन, दैट इज अ स्टोरी इज बींग रेफर्ड टू, A biblical story is being referred to. He says, सब कुछ कर सकता हूँ, but ये सब आपके साथ मैं नहीं कर सकता. Eat and drink I cannot do with you. What news on the Rialto? Then he wants to know what is happening latest at the Rialto, at the place where the merchants meet, जहाँ पे ये business dealings सबकी होती हैं कि वहाँ का अब ताज़ा खबर, वहाँ की आज क्या है? Who is he? Comes here. फिर दूर से दिखाई दे रहा है कि कोई आ रहा है. He says, who's the person who's coming this side? Now we assume कि एंटोनियो अभी थोड़ा सा डिस्टेंस है, एकदम से पास उनके नहीं पहुंचा है. बसानियो इन्फॉर्म्स हिम, दिस इज सिनियर एंटोनियो.
Signor Antonio, he uses a term of respect for his friend Antonio because he's talking to the Jew. और जू के सामने उसको अपने फ्रेंड को बहुत रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट भी करना है तो ही इज सीनियर एंटोनियो. एसाइड, एसाइड इज अ लिटररी डिवाइस, अ ड्रामेटिक डिवाइस. ये जो देख रहे हैं आप, एसाइड इज अ ड्रामेटिक डिवाइस. अब क्या है, उस समय सब कुछ स्टेज पे हो रहा है, ऐसा कोई इंतजाम नहीं था कि बैकग्राउंड म्यूजिक हो या बैकग्राउंड साउंड हो, बैकग्राउंड वॉइस हो, जिससे कि ऑडियंस को पता चल जाए, स्पेक्टेटर्स को पता चल जाए कि क्या हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. ठीक है, सो जो कुछ भी होना है वो सब स्टेज पे करके दिखाया जाता है. तो इसी तरह से शाइलो के माइंड के अंदर का जो डायलॉग है वो स्टेज पे बोल के पता करना, बताना है उसको ऑडियंस को. और इस समय हम ये मान लें कि ये चीज एंटोनियो को और बेसानियो को सुनाई नहीं दे रही है, उन्होंने ये नहीं सुना. दिस इज ओनली फॉर द पब्लिक, इट्स ओनली फॉर द ऑडियंस, जो लोग बैठ के इस प्ले को देख रहे हैं. ओके, हाउ लाइक अ फॉलिंग पब्लिक एंड ही लुक्स. और शाइलो को तो एंटोनियो को देख के अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आ जाती है. देखो कैसा लग रहा है, एकदम फॉलिंग पब्लिकन की तरह लग रहा है, टैक्स कलेक्टर की तरह लग रहा है. टैक्स कलेक्टर किसको पसंद होता है, किसी को भी पसंद नहीं होता है. और वेनिस में टैक्स कलेक्टर उस समय हो सकता है बहुत ऐसा व्यक्ति रहा जो दूर से आता हो दिखाई दे तो लोग अपना रास्ता ही चेंज कर लें. एंड टैक्स कलेक्टर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस से जाते हैं, उनकी एक नोटबुक हाथ में होती है और बहुत इंपॉर्टेंस से चले जाते हैं. वो लोगों पे हावी हो जाते हैं टैक्स, क्योंकि उन्होंने कलेक्ट करना है. उस समय बैंक होते नहीं कि लोग अपना बैंक अकाउंट खोला और वहीं से बैंक में भेजेंगे, तो आके टैक्स कलेक्ट करना है उसको. सो ही सेज लुक हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, एक फॉनिंग टैक्स कलेक्टर दिख रहा है जिसमें अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है. आई हेट हिम फॉर हिज अ क्रिश्चियन. अब उसकी बात मुंह पे आ ही गई, यू नो आई हेट हिम फॉर हिज अ क्रिश्चियन. मे बी ही हेट्स अदर क्रिश्चियंस आल्सो, बट एंटोनियो को भी इसी, ऑफ कोर्स वो क्रिश्चियन कैटेगरी में है इसलिए वो उसको भी हेट कर रहा है बिकॉज ही हेट्स ऑल क्रिश्चियंस. But more for that, in low simplicity, he lends out money gratis and brings down the rate of usance here with us in Venice. But एक और कारण है जो मुझे एंटोनियो बिल्कुल पसंद नहीं है. वो क्या करता है, वेनिस में लोगों को उधार मनी दे देता है बट इंटरेस्ट मनी लेता ही नहीं है, फ्री में दे देता है कि जितना मूल दिया प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही प्रिंसिपल अमाउंट वो वापस ले लेगा और कोई इंटरेस्ट उनसे चार्ज नहीं करेगा. अब जब एक व्यक्ति रियाल्टो में इस तरह का बिजनेस कर रहा है जहां पे वो इंटरेस्ट पे मनी दे ही नहीं रहा, मनी ऐसे ही दे दे रहा है, तो जो बाकी मनी लेंडर्स हैं जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं उनका बिजनेस यहाँ पे स्पॉइल हो रहा है. ओके, और मोस्टली उस समय शायद मनी लेंडर्स जो थे वो ज्यूज थे. सो दैट इज व्हाई ही सेज आवर बिजनेस, यू नो आवर मनी लेंडिंग बिजनेस, ही इज स्पॉइलिंग इट. इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज एंड बेयर हिम. बस एक बार मुझे मौका मिल जाए मैं उस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जो उससे ये एंशिएंट ग्रज है, पुरानी दुश्मनी है, उसको मुझे निकालने का एक मौका चाहिए. सी टिल नाउ शाइलो हैज नॉट गॉट एनी अपॉर्चुनिटी टू सेटल हिज स्कोर्स विद एंटोनियो. उसको एंटोनियो से वैसे ही दिक्कत है, एक तो वो क्रिश्चियन है, दूसरा वो उसका बिजनेस स्पॉइल कर रहा है. अपॉर्चुनिटी उसके पास है नहीं, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वो फेस टू फेस एंटोनियो से कर नहीं सकता बिकॉज ज्यूज की पॉपुलेशन कम है, क्रिश्चियंस ज्यादा है. सो ही इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जिससे वो अपनी एंशिएंट ग्रज उसकी और एंटोनियो के बीच की तो है ही है, बट ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच की भी जो सालों से चली आ रही है ग्रज है, दुश्मनी है, उसको भी वो यहाँ पे एड्रेस करना चाहता है कि बस मौका मिलना चाहिए. आई विल टेक रिवेंज, आई विल फीड फैट, फीड फैट द रिपीटेशन ऑफ द साउंड फॉर इज एन एलिटरेशन. This gives a poetic effect. Okay, एक बहुत अच्छा rhyming भी बन जाती है, poetic effect आ जाता है. So he says, I am definitely going to use the opportunity. Feed fat. अब feed fat normally is a term जो कि हम animals के लिए use करते होंगे, जैसे जो animals जो लोग animals को domesticate करते हैं, या फिर ऐसा animal जिसकी कोई sacrifice करने वाले हों. उस समय ये सब तो चलता ही था, तो क्या करते हैं उसको जानवर को खूब खिलाते पिलाते, खूब मोटा ताजा कर देते हैं उसको, फीड फैट. तो जिस तरह से कि एनिमल को खिला पिला के मोटा कर देते हैं, उसी तरह से ही से ये जो मेरी ग्रज है, मेरी दुश्मनी है, मैं इसको जिंदा रखता हूं हमेशा अपने माइंड में. ठीक है, और अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं इसको तसल्ली से उस दिन भोजन कराऊंगा
उस दुश्मनी से उसका जो मैं बदला लूंगा वो जो फीलिंग मुझे मिलेगी वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी राइट. He hates our sacred nation and rails even there where merchants most do congregate on me, my bargains and my well-won thrift, which he calls interest. Curse be my tribe if I forgive him. He says Antonio को कोई दिक्कत है जब रियाल्टो में जाता है और कोई काम नहीं है उसके पास मेरे बिजनेस को लेके, मेरे इंटरेस्ट को लेके, मेरे प्रॉफिट को लेके, उसको कुछ ना कुछ बोलना ही होता है. इतने सारे लोगों के बीच में वो हमेशा मेरी इंसल्ट करता रहता है ना? तो इसका बदला तो मुझे लेना ही है. कोई अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिले तो मैं ये सब कर पाऊंगा. कर्स बी माई ट्राइब इफ आई फॉरगिव हिम, जैसा कहते हैं लोग बहुत जब आक्रोश में होते हैं तो गुस्से में होते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं करा ना मेरा नाम बदल देना. So this is what he says, ki curse be my tribe if I forgive him, if I let him go. Meri puri tribe cursed ho jaye agar maine ye mauka haath se jaane diya. So we see how, you know, deep his grudges. The word meanings are all over here, which in between you can always check also. And I have already spoken of all the meanings. Let's move forward. Ab Shylock kya hai? Wo to ek aside bol raha tha. Aside yani ki sirf ऑडियंस के लिए. अब बसानियो वहां वेट कर रहा है कि क्या हो गया, ऐसे कुछ बोल ही नहीं रहा है. तो सो ही इज टेलिंग शाइलॉक टू स्पीक टू टेल हिम कि वो पैसा उसको देगा या नहीं. सो ही सेज शाइलॉक डू यू हियर, तुम यहीं हो, मेरी बात सुन पा रहे हो, तुम्हारा जवाब क्या है. आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर. ही सेज नहीं नहीं मैं जरा सोच रहा था कि मेरे पास इस समय पैसा कितना है, कि मैं मेंटली कैलकुलेट कर रहा था कि कितना होगा, कि मैंने इधर कितने दे रखे हैं, उसको कितने दे रखे हैं, वहां से कितने आ जाएंगे, यू नो किससे क्या मुझे वापस लेना है. तो इज आई एम जस्ट मेंटली कैलकुलेटिंग कि मेरे को वो पैसा जो देना है अभी 3000 तक वो मैं कैसे जुटा पाऊंगा. एंड बाय द नियर गेस ऑफ माय मेमोरी आई कैन नॉट इंस्टेंटली रेज अप द ग्रॉस ऑफ फुल 3000 टकेट्स. और जो मेरा मेंटल कैलकुलेशन जो मैंने अभी करी है, मुझे लगता है कि वो जो फुल अमाउंट है ग्रॉस 3000 जैकेट्स जो आपने कहे हैं वो इस समय मेरे हाथ में नहीं है. मेरी जो मेमोरी मुझे बता रही है क्लोज, ओके नियर गैस कि मैं जितना क्लोज गैस कर पा रहा हूँ, कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, तो उतना पैसा भी मेरे हाथ में नहीं है. व्हाट ऑफ दैट, इज कोई नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका सोल्यूशन है मेरे पास. अब पैसा पैसे की बात है, एंटोनियो को पकड़ में लेना है, इसलिए वो जाने भी नहीं दे सकता और अपनी इंपॉर्टेंस भी उसको क्रिएट करनी ही है. इसे कोई बात नहीं, मेरे पास एक इंतजाम है. Tubal, a wealthy Hebrew of my tribe, will furnish me. He says, कोई नहीं मेरे पास नहीं है तो क्या होगा, मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा, जीव के पास, Tubal के पास, वो मुझे पैसे दे देगा क्योंकि उसके पास भी काफी पैसा होता है. Now, see the trap he is laying. किस तरह का एक ट्रैप बना रहा है वो एंटोनियो के लिए कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं Tubal से लेके दे दूंगा. यानी कि कल को वो जोर दे के एंटोनियो से कह सकता है कि भाई तुम्हारी वजह से मैंने किसी और से उधार लिया, मेरा अपना पैसा थोड़ी था, किसी और से उधार लेके तुम्हें दिया. एक ये भी एक ट्रैप है. बट सॉफ्ट, हाउ मेनी मंथ्स डू यू डिजायर. अब वो फिर अपने उसी टेक्निक पे आ गया कि थोड़ा सा मैं और मजे ले लूं इस बात में. इसे क्या बताया था तुमने, कितने महीने के लिए चाहिए था, कितना पैसा चाहिए था, टू एंटोनियो. और तब तक एंटोनियो आके वहां खड़ा हो चुका है, इनके पास आ गया है, इनकी बात सुन रहा है. तो एंटोनियो से कहता है, Rest you fair, good senior. He says, oh, hello Antonio sir. अच्छा लगा आपसे मिलके. कैसे हैं आप? जो भी ग्रीटिंग्स में उसने उससे कहा कि may you be fair, आप अच्छे रहें. कैसे हैं आप? Your worship was the last man in our mouths. Your worship. This is ironical. अभी उसने कहा, he's a fawning publican. ठीक है? कितना वैसा derogatory term use करा. और अब कहता है, your worship, your highness, you know, good lord, good senior. You were the last person we were talking about. आप ही का नाम हमारी जुबान पे था, हम आप ही को डिस्कस कर रहे थे. And there you have come. What a coincidence. What a happy coincidence कि आप ही आ गए सामने से. अब एंटोनियो के पास इन सब की बातें नहीं है. ओके, वो जैसा है वैसा है. शाइलॉक उसे पसंद नहीं, वो उसको कोई ऐसी शो नहीं करता है कि चलो आज कर्टसी से, फॉर्मेलिटी से तुमसे हेलो भी कर ले, ऐसा कुछ नहीं है. वो मुद्दे की बात डायरेक्टली आ जाता है. Shylock albeit I neither lend nor borrow by taking nor by giving of excess. He says, तुम तो जानते हो मैंने आज तक पैसा कभी ना दिया ना लिया इंटरेस्ट पे. ये मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं कभी ऐसे काम नहीं करता.
Yet to supply the ripe bones of my friend, I will break a custom. But यहाँ आज बात मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की बात है और उसको urgently required है, ripe, urgent, need, want, okay? उसकी जो urgent requirement है उसको fulfill करना है, इसलिए मैं आया हूँ. तो ये जो अपना मेरा एक custom है, मेरी habit है, उसको मैं आज break करूँगा कि मैं interest पे जो पैसा ना लेता हूँ ना देता हूँ, आज इसे break करता हूँ. तुमसे पैसा लूंगा but interest पे लूंगा. So whatever you will charge, I will give. Is he yet possessed? How much ye would? Now this dialogue is addressed directly to Shylock, but yahan se ye address kiya gaya hai Bassanio ko. Aise tricky questions kabhi aate hai council mein ki who is Antonio speaking his last sentence to? So that is to Bassanio. Ki kya tumne ise bataya? Kitna paisa chahiye? Kitne samay ke liye chahiye? Is he possessed? Has he been informed? Okay. आए 3000 ducats. तो शायलो के बीच में आ जाता है, कहता है हाँ बताया उसने मुझे 3000 ducats चाहिए उसको. And for 3 months, he says, ये भी साथ में बताया, three months ही रहेंगे. I had forgot. Oh, he says, वो तो माइंड से मेरे निकल गया. You know, he's just acting smart. He's just enjoying. आज वो बहुत अच्छी पोजिशन पे अपने आप को फील कर पा रहा है, देख रहा है कि क्रिश्चियंस आज उसके काबू में एक तरह से सिर्फ बात कर रहे हैं. सो आज उसको मौका अच्छा मिला है. तो he says, हाँ मैं भूल गया था, 3 months you told me so, तुमने मुझे बताया. well then you're bond. he says, चलो फिर एग्री हो गया, तुम्हें 3000 डकेट चाहिए 3 महीने के लिए, तो ठीक है बॉन्ड बना लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं. योर बॉन्ड इज सो ईगर कि बस ये मौका हाथ से निकल न जाए, आज ही हो जाए, इस पर स्टैंप भी लग जाए, सब कुछ हो जाए, आज ही काम हो जाना चाहिए. एंड लेट मी सी, बट हियर यू, मी थॉट यू सेड यू नीदर लेंड नॉर बोरो अपॉन एडवांटेज. ही सेज, मगर बात तो सुनो, थोड़ा तो रुको. अभी अभी तो तुमने कहा कि ना तो पैसा देते हो ना लेते हो इंटरेस्ट पे, अभी तो बताया आपने. मी थॉट दिस इज व्हाट यू सेड, आई थिंक आई हर्ड यू राइट, जो आपने कहा था कि आप ऐसा नहीं करते हो. I don't ever use it. किसी से भी पूछ लेना, मैं ये कभी नहीं करता. वो आज जरूरत है इसलिए आया हूँ, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता. Now Shylock is not in a hurry. आज कोई जल्दी नहीं है, उसे कहीं नहीं जाना उसको, और क्रिश्चियंस को उसने रोक के रखा हुआ है, एंटोनियो और बसानियो को. तो एक कहानी सुनाता है उनको. He says, when Jacob grazed his uncle Laban's sheep, this Jacob from our holy Abraham was, as his wise mother wrought in his behalf, the third possessor. I, he was the third. Now there is an allusion again to a biblical story where Abraham, prophet Abraham, okay, his son Isaac will take place after he dies. He's the second heir, okay, second possessor. Isaac ke do bete the, Esau aur Jacob. Aur according to custom, bade bete ko hi uska successor mana jayega, Esau ko. But जेकब की जो मदर थी उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तरकीब निकाली, जिससे कि उसको जेकब को डिक्लेयर करना पड़ गया कि वो उसका पोजेसर होगा. सो जेकब क्या हुआ, थर्ड पोजेसर हो गया. यानी कि जब इब्राहिम नहीं रहेंगे तो आइजक उनकी जगह लेगा, और जब आइजक नहीं रहेगा तो जेकब उनकी जगह लेगा, इसाव नहीं लेगा. और इस समय वो क्या करता है, जेकब अंकल लेबान की शीप चलाता है. ओके, and what of him, did he take interest? He says, क्यों बता रहे हो ये सब Shylock, why are you engaging us in this story, is there something where he took some interest from his uncle, okay, when he was grazing his sheep, to kya hai story mein, what are you trying to say? No, not take interest, not as you would say directly interest. He said, nahi interest to kabhi usne liya hi nahi, matlab ki direct interest ki kabhi baat hi nahi hui unke beech mein, aisi koi agreement nahi hui unke beech mein. Mark what it, but Jacob did. But Jacob ने क्या किया, देखो successful होने के लिए उसने क्या किया, वो गौर करने वाली एक बात है. When Laban and himself were compromised that all the earnings which were streaked and piled should fall as Jacob's hire. Uncle Laban के सामने Jacob ने एक प्रस्ताव रखा कि इस बार जितनी भी नई भेड़ें पैदा होंगी उनमें से जिन जिन भेड़ों की बॉडी में चकत्ते होंगे या स्ट्राइप्स होंगी, डॉट्स होंगे, स्पॉट्स होंगे, वो सब जेकब को दे देना. मतलब कि खुद खुद को दे देना. वो अंकल लेबान ने
सोचा कितना बेवकूफ लड़का है, कभी शीप के भी स्ट्राइप्स हुई हैं, शीप में भी कभी स्पॉट्स हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता. सो ही अग्रीड, ही सेज ठीक है, मान ली तुम्हारी शर्त, जितने भी शीप अभी स्ट्राइप्स पैदा होंगी उनके ऐसी शीप्स होंगी जिनकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होंगी या स्पॉट्स होंगे, वो तुम्हारे लिए. अब जेकब ने जो बड़ी भेड़े थी जिनके अभी बेबीज होने वाले थे उन सबको एक एनक्लोजर में डाला, जो शीप एनक्लोजर होता है, और वहां पे जो छत है उसके ऊपर इस तरह से फटियां अरेंज करी कि वो क्रिस क्रॉस एक नेट जैसा बन गया, और उसमें से कहीं से धूप आ रही है, कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया, और यहां नीचे वो भेड़े रोज बैठती हैं. सो व्हाट हैपेंड दैट दिस फिनोमेना ऑफ सनलाइट एंड शैडो समहाउ, ठीक है, उसने अपना असर दिखाया और जितनी भेड़े पैदा हुई उसमें से काफी सारी की बॉडीज पर स्पॉट्स थे, स्ट्राइप्स थे. तो इस तरह से जेकब को बहुत सारी शीप मिल गई और वो सक्सेसफुल हो गए. सो व्हाट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन जेकब एंड हिज अंकल, कि जितनी भी नई भेड़े पैदा होंगी जिन पे बॉडी पे स्ट्राइप्स होंगे या स्पॉट्स होंगे वो जेकब की हो जाएगी, ठीक है, और दिस शुड बी टेकन एज जेकब्स हायर, और ये मान लिया जाएगा कि ये जेकब का पेमेंट है जो वो काम करता है अंकल लिगमान के लिए, उसके उसका ये वेजेस है, उसकी उसकी ये पेमेंट है. फाइन, दिस वॉज अ वे टू थ्राइव एंड ही वॉज ब्लेस्ड, ये उसका अपना तरीका था सक्सेसफुल होने का, एंड ही रिसीव्ड गॉड्स ब्लेसिंग्स, ओके, एंड ही डिड इट एंड शेयर दिस ब्लेसिंग. जो प्रॉफिट आदमी का होता है किसी बिजनेस में वो तो एक ब्लेसिंग होती है. इफ मैन स्टील इट नॉट, कंडीशन क्या है, सिर्फ कि वो स्टील करा हुआ नहीं चाहिए, होना चाहिए, चोरी का माल नहीं होना चाहिए, कहीं किसी पे डाका नहीं डाला होना चाहिए, किसी से जबरदस्ती नहीं लिया होना चाहिए. मना के लिया उसने तो अंकल, अपने अंकल को मना के लिया कि भाई ऐसा करते हैं, ऐसा यदि हो गया तो हो गया, तो इसमें तो कोई चोरी नहीं करी उसने, कोई छुपा हुआ उसका कोई एजेंडा नहीं था इसमें, जो कुछ था वो सामने ही था, तो हम इसको गलत बिजनेस नहीं कह सकते, ये तो उसका तरीका था बिजनेस करने का जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ. अब एंटोनियो बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं इस स्टोरी से, ही सेस ये चीज जेकब के हाथ में थोड़ी थी, दिस वॉज अ वेंचर सर दैट जेकब सर्व फॉर, उसका ये जॉब था अपने अंकल लिबान की शीप को चराना, बट उसका उसके हाथ में ये थोड़ी है कि जो नए पैदा होंगे वो कैसे पैदा होंगे, राइट, बट एट थिंग नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग टू पास, ये उसके करने से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ ये उसके हाथ में नहीं था. स्वेड एंड फैशन बाय द हैंड ऑफ हेवन, इस सब में तो हेवन का हाथ होता है, गॉड का हाथ होता है, कौन कैसे जन्म लेगा, किस रंग का होगा, किस रूप का होगा, ये हम थोड़ी तय कर सकते हैं, ये तो गॉड करता है, तो इसमें जेकब का कोई हाथ नहीं था इसमें. वॉज दिस इंसर्टेड टू मेक इंटरेस्ट गुड, और ये स्टोरी जो तुमने मुझे सुनाई शाइलॉक, क्या तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि इंटरेस्ट लेना अच्छी बात है, पैसे को यूज करना इस तरह से क्या अच्छी बात है, और इज योर गोल्ड एंड सिल्वर यूज एंड रैम्स, यूज एंड रैम्स, भेड़े बकरियां, मेल गोट्स एंड फीमेल गोट्स, तो क्या तुम्हारा पैसा भी जानवरों की तरह है जो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, तुम्हारा गोल्ड, तुम्हारा सिल्वर क्या इस तरह से मल्टीप्लाई होता है जल्दी जल्दी, जो कि तुमने मुझे भेड़ बकरियों वाली कहानी सुना दी. शाइलॉक, आई कैन नॉट टेल, आई मेक इट ब्रीड एज फास्ट, ही सेज ये तो मुझे नहीं पता कि मेरा गोल्ड सिल्वर भेड़ है बकरी है क्या है, बट मेरे पास तरीके हैं कि मैं अपने गोल्ड को या अपने सिल्वर कॉइन्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एनिमल्स के जैसे ही फास्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको इस तरह से करता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ, दिस इज नॉट रॉन्ग, ही सेज. मार्क यू दिस बिसानियो, ही सेज तुमने सुना बिसानियो, कैसा आदमी है ये, अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलेगा. द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, अपने फायदे के लिए वो होली बुक को भी नहीं छोड़ा उसने, स्क्रिप्चर्स को भी साइड कर डाला, कोट कर डाला कि ऐसा तो उस ग्रंथ में लिखा है, उस किताब में लिखा है, उस होली बुक में लिखा हुआ है. एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, ये तो इविल है, शैतान का दिमाग है इसमें तो पहले से ही, और अब ये क्या कर रहा है, होली बुक को अपना विटनेस बता रहा है, अपनी आर्ग्यूमेंट जो उसने दी है, विटनेस जो आर्ग्यूमेंट वो पेश कर रहा है उसका एग्जाम्पल भी उसको भी कोट कर रहा है उसने, किससे, होली बुक से. नाउ लॉट मेनी टाइम्स लोग ऐसा ही करते हैं, किसी को कोई
पाठ पढ़ाना हो या कोई सीख देनी हो तो लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें कुछ देवी देवताओं की कहानियां होती हैं जिससे कि सुनने वाले को लगता है कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए, ये एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो हमें मानना चाहिए। तो he says, look at this fellow, he is quoting from the holy book. It's like a villain with a smiling cheek. ये जो विलन है होली बुक से, ये जो निकाल के एग्जाम्पल दे रहा है, he is like a evil character, he is like a villain. Who is doing it for his own advantage? He is citing a good example for his bad reason, and he's got a smiling face, and he is doing it with a smiling face, जिससे कि हम बिल्कुल उसके झांसे में आ जाएं और उसकी बात को मान ले कि वही सच है, जो वो कह रहा है वही सच है। A goodly apple rotten at the heart. ये तो बिल्कुल एक वैसे सेब की तरह है जो देखने में बाहर बहुत सुंदर है, but अंदर उसे काटो तो वो रॉटन है। दिस इज अ सिमिली, यूज ऑफ सिमिली है, वेयर एंटोनियो इज कंपेयरिंग शाइलॉक टू अ रॉटन एप्पल विच इज गुड ऑन द आउटसाइड बट वेरी वेरी रॉटन फ्रॉम द इनसाइड। देन ही सेज, ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड है। देन ही इज जस्ट मेकिंग अ जनरल स्टेटमेंट कि कोई भी चीज जो अंदर से खराब होती है उसका बाहर का अपीयरेंस कितना अच्छा होता है। नॉर्मली व्हेन शॉपकीपर्स आर सेलिंग देयर गुड्स, वो कई बार डिफेक्टिव पीसेस को भी बहुत अच्छा बता के सेल कर देते हैं, उसकी कमियों को छुपा देते हैं और कस्टमर्स को बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो इसे जितनी भी खराब चीजें होती हैं वो बाहर से देखने में कितनी सुंदर होती हैं और अंदर बिल्कुल ही बेकार होती हैं। सो ही जस्ट टेलिंग बसानियो कि कहां आज इसके पास आना पड़ गया, ये अपने फायदे के लिए, ये देखो आज हमें होली बुक तक भी ले गया, होली बुक का रेफरेंस भी इसने हमें दे दिया। चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस लेसन हियर बिकॉज इट्स अ लॉन्ग सीन। अब आगे भी कई रेफरेंसेस हैं, बहुत लंबे डायलॉग्स हैं, तो उसको धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे। सो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। इन केस यू हैव ए क्वेरी or you want to ask something more, some specification or some question, do leave a comment for me. I will get back at you. Until then, have a good day, stay safe, stay at home.